कमला जी, जी साहब, आपका आईफोन का क्या हुआ? वैसा ही है साहब, वैसा ही दिखा रहा है जी। आप अपना साहब, आप गूगल पे टाइप करिए कि आईफोन 6 अनेबल टू कनेक्ट, और उसके बाद देखिए अनेबल टू कनेक्ट होने के कई सारे कारण होते हैं। आईफोन में अनेबल टू कनेक्ट होने के कई सारे कारण होते हैं। जो आप वाले में कारण आ रहा है वो आ रहा है आपके फोन की IMEI नंबर जो है वो करप्ट है, मतलब IMEI नंबर शो नहीं कर रहा है जी। जिसके लिए आपके पास ऑनलाइन सपोर्ट अवेलेबल है। आप एप्पल के सपोर्ट साइट पे चले जाइए, एप्पल की सपोर्ट साइट पे जा करके वहां पे कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर होता है जी सर, या अपनी अपनी रिक्वेस्ट वहां पे कंप्लेंट की डाल दीजिए, 24 आवर्स में कंपनी का टेक्निकल टीम से आपको कॉल आ जाएगी। टेक्निकल टीम को कॉल आएगी, टेक्निकल टीम आपको सारी चीजें बताती जाएगी और आप इसको एक्टिवेट कर आप उसको एक्टिवेट कर सकती हैं। यदि प्रॉब्लम आपकी हार्डवेयर की निकलती है इसपे, तो हार्डवेयर में इसमें NAND प्रोग्राम करनी पड़ेगी। आपके मोबाइल के सीरियल नंबर से IMEI नंबर हट चुका है, तो आपके फोन की NAND IC निकाल करके उसको आईफोन का प्रोग्रामर अलग आता है उसमें लगा करके NAND IC और आपकी IMEI नंबर आपके सीरियल नंबर से देख करके दोबारा से राइट करनी पड़ेगी, तब आपका फोन मैनुअली अपडेट हो सकता है। बाकी एक बार आप टेक्निकल टीम में बात कर लीजिए, कंपनी की ऑफिशियल टेक्निकल टीम में बात कर लीजिए, तो वहां के द्वारा भी आपका काम आराम से हो सकता है। कैसे बात करूं सर, कौन सा नंबर से, मुझे पता नहीं इसके बारे में। देखिए आप अपने फोन को ऑन करेंगे जब, तो जहां पे अनेबल टू कनेक्ट क्लिक किया जा रहा वहां के नीचे लिंक दिया होता है जी सर, उसी लिंक को आप लैपटॉप पे टाइप करके उससे डायरेक्ट आप लिंक पे पहुंच सकते हैं। वहां पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी होगी, अपना फोन नंबर डालना होगा। अगर कस्टमर केयर तुरंत अवेलेबल होगा तो आपको तुरंत कांटेक्ट करेगा, अगर उसको टाइम लग रहा होगा तो आपको टाइम दे देगा कि इतनी देर में हम आपसे बात करेंगे। ओके सर, उतनी देर में आपके पास कॉल आ जाएगी, कंपनी की कॉल आएगी आपके पास। आप कॉल पे कस्टमर टेक्नीशियन से बात करेंगे कस्टमर केयर में, वो आपके फोन को एक्टिवेट करने में आपकी मदद करेगा। अगर उसके द्वारा एक्टिवेट हो जाता है तो सो गुड एंड सो बेटर। बाकी YouTube पे आप देखेंगे तो अनेबल टू कनेक्ट आईफोन 6 लिख करके सर्च करेंगे तो YouTube पे भी वीडियो पड़े हुए हैं, Google पे भी कई वीडियोस पड़े हुए हैं, क्योंकि ये एक वजह से नहीं, ये कई वजहों से होता है, तो हम पर्टिकुलर नहीं बता सकते हैं। लास्ट ऑप्शन हम आपको बता सकते हैं कि लास्ट ऑप्शन जब किसी भी तरीके से एक्टिवेट नहीं होगा तब आपके पास लास्ट ऑप्शन बचेगा कि आप इसकी NAND प्रोग्राम करवाएं, और NAND प्रोग्राम आप नहीं कर पाओगे, उसके लिए टेक्निकल बंदा चाहिए होगा जो NAND प्रोग्राम करेगा जी सर। हाँ जी, और जो भी बंदा NAND को प्रोग्राम करेगा वो कम से कम 1500 के आसपास आपसे लेगा NAND प्रोग्रामिंग का जी सर। ठीक है जी।